सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिजिटल मार्केटिंग. ओके, फर्स्ट मुझे ये बताइए, बिफोर द डिजिटल मार्केटिंग देर इज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन द मार्केट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मार्केटिंग. एनीवन नो व्हाट इज मार्केटिंग. आपको कोई बिजनेस करना है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, कोई बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई प्रोडक्ट के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो बिजनेस आपका कैसे रन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड दैट आवर प्रोडक्ट इज हाउ मच डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट इन टू द मार्केट, कि हमारी प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है. फर्स्ट वो आप ऑब्जर्वेशन करोगे, एनालिसिस करोगे मार्केटिंग का, राइट. देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसका क्या करोगे आप, एडवर्टाइजिंग करोगे, ठीक है. तो एडवर्टाइजिंग करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है, कैसे एडवर्टाइजिंग करोगे आप अपनी प्रोडक्ट की. बिफोर द डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था उस टाइम पे कैसे होता था, बाय पोस्टर, देन इन न्यूज़पेपर, देन आफ्टर होल्डिंग्स लगाते थे मार्केट के अंदर, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दो, ओके, उसके थ्रू हम मार्केटिंग करते थे, ओके. तो मार्केटिंग का मेन पर्पज़, व्हाट इज़ द मार्केटिंग, मार्केटिंग का मेन पर्पज़ क्या है, कि हमारी प्रोडक्ट की उस मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है, उसको आप कैसे एडवर्टाइज कर रहे हो, उसको आप कैसे सेल कर रहे हो, और उस सेलिंग से हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है. दैट इज़ द मेन गोल ऑफ द मार्केटिंग, अंडरस्टैंड, ओके. नाउ बिफोर द डिजिटल मार्केटिंग वी यूज़ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग. सो देर आज मैनी डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग. फॉर एग्जाम्पल, मुझे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करनी है, राइट, होल्डिंग्स लगाना है, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं. जितनी बार हमारी नई प्रोडक्ट आएगी उतनी बार हमें नया बैनर बनवाना पड़ेगा, उतनी बार हमें न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ेगी. दैट इज मीन्स कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर, ओके, उसका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि जितनी बार, फॉर एग्जाम्पल, साल में हमने 50 या 100 प्रोडक्ट किए लॉन्च, तो 50 या 100 प्रोडक्ट का हर बार आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, उसका हर बार एक्सपेंस होगा, राइट. उसको हर बार आप होर्डिंग्स लगाओगे मार्केट के अंदर, तो उसका भी एक्सपेंस ज़्यादा होगा. इट मीन्स कि देर इज़ अ मोर एक्सपेंस कम्पेयर टू द डिजिटल मार्केटिंग, अंडरस्टैंड. डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या करोगे, सिंपल एक वेबसाइट क्रिएट कर लोगे. वो वेबसाइट जब तक आपका बिजनेस है तब तक चलेगी वो वेबसाइट, दैट इज मीन्स फॉर लाइफ टाइम हो गई वो वेबसाइट, ओके. और जब भी हमारी नई प्रोडक्ट आती है, आप सिंपल क्या करोगे, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज, उस प्रोडक्ट को आप कहाँ पे लॉन्च करोगे, ऑन आवर वेबसाइट. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके. सेकेंड पॉइंट इन टू द डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज यूजिंग द सोशल मीडिया, ओके. हाउ मैनी पर्सन यूज द सोशल मीडिया, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ओके. और सेकेंड आपके पास क्या चाहिए, वो डिवाइस चाहिए चलाने के लिए, वो क्या आप यूज़ करते हो, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, ओके. तो डिजिटल का मीनिंग, डिजिटल मीन्स दैट इज टू वर्ड इज मेन इन टू द डिजिटल, फर्स्ट इंटरनेट एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. दैट इज द मीनिंग ऑफ द डिजिटल, ओके. दैट इज, तो डिजिटल का मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर इंटरनेट का यूज़ करके आप कुछ सर्च कर रहे हो, किसी से चैट कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ द डिजिटल. व्हाट्सएप भी चलाते हो, दैट इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल, अंडरस्टैंड. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग इन दैट इज मार्केटिंग, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ओके. नाउ दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल, राइट. तो डिजिटल का मीनिंग क्या हुआ, दैट इज इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. डिजिटल बनने के लिए आपको दो चीज रिक्वायर है, फर्स्ट थिंग इज इंटरनेट एंड सेकेंड थिंग इज योर डिवाइस. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ भी आ सकता है, लाइक एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, एक्सेट्रा, अंडरस्टैंड. दैट इज द मीनिंग ऑफ द डिजिटल, ओके. सो दैट इज, नाउ डिजिटल के अंदर दैट इज द एग्जाम्पल सोशल लाइफ, दैट इज सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्सेट्रा रख के, देन मोबाइल फोन्स, ओके, एनालिटिकल और बिग डेटा. जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो देर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, देर इज़ अ नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. जब आप गूगल के अंदर सर्च करते हो, सर्च इंजिन के अंदर कुछ भी सर्च करते हो, सो देर आर दी लॉट्स ऑफ रिजल्ट डिस्प्ले. गूगल में कुछ भी सर्च करोगे तो नीचे लिंक आ जाएगी बहुत सारी, सो देर इज़ अ नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, ओके. देर इज़ अ लॉट्स ऑफ डेटा ऑन टू द डिजिटल, ऑन टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओके. सो दैट इज़ द एनालिटिकल और बिग डेटा, राइट. क्लाउड
क्लाउड मीन्स दैट इज इन आवर एग्जांपल दैट इज क्लाउड मीन्स वेबसाइट वेब ब्राउजर उसका कॉम्बिनेशन दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड. क्लाउड के अंदर इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी वेबसाइट भी आ जाएगी ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड. क्लाउड मीन्स उसके अंदर सब कुछ आ जाता है दैट इज गैदरिंग द इंफॉर्मेशन ओके. पेपर क्लिक एफिलिएटेड मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग ओके देन आफ्टर वायरल मार्केटिंग ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन ईमेल मार्केटिंग जो मैंने अभी एग्जांपल दिया थ्रू सोशल मीडिया के ओके ये डिटेल में मैं आगे आपको समझा दूंगी. SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सर्च इंजन मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है. सर्च इंजन ब्राउजर ओपन करके कुछ टेक्स्ट वर्क में सर्च करते हो ओके दैट इज द सर्च इंजन ओके. तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स जब भी आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो और वो वेबसाइट कोई पर्सन उसके अंदर सर्च कर रहा है सर्च इंजन के अंदर तो वो हमारी वेबसाइट टॉप में दिखानी चाहिए. कोई भी कस्टमर लास्ट में नहीं देखेगा लास्ट वाली लिंक ओपन नहीं करेगा. कौन सी लिंक ओपन करेगा जो टॉप में आएगी फर्स्ट आएगी वही लिंक ओपन करेगा फर्स्ट ओके. तो वो सब चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में करना दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ओके. दैट इज़ द मीनिंग मतलब उसको रैंक देना फर्स्ट रैंक आनी चाहिए हमारी वेबसाइट की. तो वो किसके थ्रू आप कर सकते हो यूजिंग दी SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ठीक है. देन आफ्टर कंटेंट मार्केटिंग. कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आता है थ्रू PDF कोई आप ब्रोशर बना लो अपनी प्रोडक्ट का अपने बिजनेस का ओके. वो PDF आप कस्टमर को सेंड कर सकते हो थ्रू मेल और चैट के थ्रू भी आप सेंड कर सकते हो ओके. कंटेंट मीन्स इंफॉर्मेशन. एक ऐसे इंफॉर्मेशन का एक ब्रोशर बना लो ओके और उसका मार्केटिंग करो दैट इज द मीनिंग ऑफ द कंटेंट मार्केटिंग ओके. देन आफ्टर पे पर क्लिक. ये अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है पे पर क्लिक. एनीवन नो पे पर क्लिक. पर क्लिक सेम लाइक SEO की तरह ही है वो ओके. कुछ भी सर्च कर रहे हो तो उसका रैंक फर्स्ट ही होना चाहिए. जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे वेबसाइट में जो भी टॉप की वेबसाइट बता रहा है लिंक बता रहा है उसको आप जब सर्च लिंक को ओपन करोगे ओके तो वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन किसके पास चली जाएगी जो वो वेबसाइट को हैंडल कर रहा है ओके. उसके पास लिंक तो उसका फिर हम फॉलो अप भी ले सकते हैं कि इस कस्टमर ने हमारी वेबसाइट को विजिट की है तो वो इंटरेस्टेड है नहीं है उसका फॉलो अप आप ले सकते हो ओके. दैट इज़ द पे पर क्लिक. एफिलिएट मार्केटिंग. एफिलिएट मार्केटिंग मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई वेबसाइट है उस वेबसाइट पर और कोई बिजनेस पर्सन या गवर्नमेंट वाले कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसकी एड हम हमारी वेबसाइट पे दे रहे हैं. जैसे आप कितनी बार कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो साइड में एड आती रहती है ठीक है. तो इस तरह की एड देना ओके दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द एफिलिएटेड मार्केटिंग. और पे पर क्लिक इज ऑल्सो रिलेटेड दी एड. वो भी एड से रिलेटेड है. गूगल एड्स होती है ओके. क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है दैट इज फर्स्ट वन इज ब्लॉग प्लस आर्टिकल. ब्लॉग सुना होगा नाम. सब अपना ब्लॉग भी बनाते हैं उसके अंदर आर्टिकल पोस्ट करते हैं ओके. उसके थ्रू भी आप कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट दैट इज SEO जो मैंने अभी समझाया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लस उसके अंदर क्या होता है वेब कंटेंट. कोई भी लिंक ओपन करते हो उसकी कंटेंट पूरी इंफॉर्मेशन बताता है उसकी साइट की दैट इज द SEO प्लस वेब कंटेंट ओके. देन आफ्टर दैट इज वाइट पेपर. वाइट पेपर मीन्स दिस कोई लेटर बनाना ओके. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द वाइट पेपर. देन आफ्टर ई बुक. ई लर्निंग भी चल रहा है आजकल मार्केट में ओके. आपको कुछ भी पढ़ना हो तो आप ई लर्निंग कर सकते हो. तो ई लर्निंग जब आप करते हो तो थ्रू कोई बुक से आपको करना है तो जब वो बुक आप कंप्यूटर में यूज़ करते हो लैपटॉप में यूज़ करते हो मोबाइल में यूज़ करते हो तो वो क्या हो जाती है ई बुक. ई बुक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बुक कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो सो दैट इज़ द उसके थ्रू भी आप कर सकते हो ई बुक ओके. पे पर क्लिक दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ गूगल एड ओके. देन आफ्टर स्पेशलाइजेशन सर्च इंजन. सर्च इंजन तो मेन है हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ठीक है. लास्ट एंड लास्ट वेबिनार. वेबिनार का मीन्स है दैट इज़ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. थ्रू दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हम कर सकते हैं ओके. कस्टमर से वीडियो उधर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको.
जाओगे आओगे एक्सपेंस पड़ेगा, ओके। डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, ओके। गूगल मीट करो, गूगल मीट चल रहा है आजकल वीडियो कॉलिंग के लिए। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द वेबिनार, ओके। दैट इज़ द स्ट्रेटेजी ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओगे जिससे हमारा बिजनेस आगे सक्सेस हो सके, दैट इज़ द, तो दैट इज़ द स्ट्रेटेजी ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, ओके। नाउ डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स जो हमने ऑलरेडी मैंने बता दिया, SEM सर्च इंजिन मार्केटिंग, थ्रू सर्च इंजिन मार्केटिंग, ओके। उसके अंदर एग्जांपल दिया है गूगल एड्स, ओके। देन आफ्टर SEO दैट इज सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लाइक गूगल हुआ, याहू हुआ, बिंग हुआ, ये सब क्या है, सर्च इंजिन है आपके, ठीक है। देन SMM दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या आएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्सेट्रा, ओके। देन आफ्टर डायरेक्ट मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग में आएगा फॉर ईमेल, के ईमेल सेंड कर दिया पर्सन, डायरेक्ट कस्टमर को ईमेल सेंड करना, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, ओके। देन रेफरल मार्केटिंग, रेफरल मीन्स रेफरेंस देना, रेफरेंस कैसे दोगे, किसी और की वेबसाइट पे हमारी एड देना, तो वो क्या दे रहे हो, आप अपना रेफरेंस किसी और की वेबसाइट पे दे रहे हो, ओके। तो एग्जांपल क्या दिया है उसमें, एफिलिएटेड, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी, एफिलिएटेड मार्केटिंग, किसी और की वेबसाइट पे हमारा क्या देना है, एड देना है, ओके, दैट इज़ रेफरल। और लास्ट है दैट इज SMO दैट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होना, मार्केटिंग में और ऑप्टिमाइजेशन में, इधर दिया है देखो, सोशल सर्च इंजिन मार्केटिंग, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। मार्केटिंग का मीनिंग होगा वी हैव टू सेल और परचेज द प्रोडक्ट ऑन टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। और ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, ऑप्टिमाइज करने का मीनिंग क्या होगा, उसमें ऐसे रूल्स लगाना कि जब भी आप वेबसाइट को सर्च करो तो टॉप लेवल पे दिखनी चाहिए हमारी वेबसाइट, तो वो क्या हो गया, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन। ऐसे बहुत सारे रूल है, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। दैट इज़ द रूल, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन, ओके। नाउ हाउ टू चूज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग चैनल, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो वो कौन सी चैनल के थ्रू करनी है, वो आपको कैसे चूज करना है। सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज डिफाइन योर बिजनेस गोल, गोल मीन्स, तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान योर बिजनेस, ओके, प्लान योर स्ट्रेटेजी ऑफ योर बिजनेस, ओके। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट टू डिफाइन योर बिजनेस गोल, ओके। दैट इज द, व्हाट आर योर बिजनेस एसेट, एसेट मीन क्या होगा, प्रॉपर्टी, ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग में हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी शॉप, वो हमारी प्रॉपर्टी होगी, एसेट मीन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हमारी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, वेबसाइट, दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ अवर बिजनेस, दैट इज अवर वेबसाइट, ठीक है। तो दैट इज एसेट, उसका प्लानिंग करना है कि वेबसाइट बनानी है, कैसी बनानी है, दैट इज द एसेट, ओके। देन आफ्टर व्हाट इज़ योर बजट, बजट भी डिसाइड करोगे कोई भी बिजनेस प्लान करने से पहले, ओके। देन आफ्टर वी हैव टू डिसाइड अवर गोल, कि उसके अंदर क्या प्रोडक्ट सेल करनी है, कैसे करनी है, दैट इज़ द स्ट्रेटेजी ऑफ योर बिजनेस। तो फर्स्ट हमारा ये क्लियर होना चाहिए, बिजनेस गोल, ओके। नाउ सेकेंड थिंग, डिफाइन योर ऑडियंस, डिफाइन योर ऑडियंस मीन्स, ऑडियंस मीन्स क्या होगा, अवर कस्टमर, ओके। तो कस्टमर को डिफाइन करना है, कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोडक्ट है और डेली बेसिस में जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हो, ओके, जैसे सोप हुई, साबुन, ठीक है, तो वो सोप कौन यूज़ कर सकता है, किसके लिए बनी है सोप, फॉर एवरी पर्सन, हर पर्सन यूज़ करता है वो, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज ओडी कार, तो ओडी कार हर पर्सन परचेज कर लेगा, ऑडी कार हर पर्सन परचेज कर सकता है, कौन परचेज करेगा ऑडी कार, बॉलीवुड हुए, एक्ट्रेस हुए, बिजनेसमैन हुए और पॉलिटिशियंस हुए, तो वो प्रोडक्ट किसके लिए बनी है, सिर्फ उन लोगों के लिए ही बनी है। और एक ऐसी प्रोडक्ट रहती है जो मार्केट में सबके लिए डिमांड होती है, पैसे हो तो क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज द मेन, दैट इज टू,
डिफाइन योर ऑडियंस। ओके, तो पहले तो हमारे कस्टमर को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारी प्रोडक्ट कौन से कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हैं, तो वो आपको पहले डिफाइन करना होगा। ठीक है, फिर आप ऐसी जगह पे जाके अपने प्रोडक्ट सेल करोगे जहाँ पे वो कस्टमर इंटरेस्ट ही नहीं है, सो वी कैन नॉट गेट एनी रिजल्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, सो दैट इज सेकेंड थिंग। नाउ थर्ड थिंग इज टेस्ट चैनल। टेस्ट चैनल मीन्स दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन करना है थ्रू दी SEO, ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसके थ्रू करना। ठीक है, दैट इज टेस्ट दी चैनल। उसके अंदर दिया है पॉइंट SEO एंड कंटेंट मार्केटिंग। ओके, सेकेंड पॉइंट दैट इज पेड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज कर सकते हो पेड करके, ठीक है, देन सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो आप, देन आफ्टर पेड एड्स और ईमेल के थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। दैट इज द चैनल्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, उसको टेस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज एनालिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? एनालिसिस करना कि हमारी प्रोडक्ट में कितने लोग इंटरेस्ट हैं, प्रोडक्ट कैसी चल रही है मार्केट में, क्या आउटपुट मिल रहा है हमको, क्या रिजल्ट मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन करना उस चीज का, दैट इज द मीनिंग ऑफ द एनालिसिस। ओके, एंड लास्ट वन इज अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स के ये सब चीज़ करने के बाद हमको सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, क्या हमारा बिजनेस सक्सेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अगर उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होगा, हमारी शॉप नहीं चल रही है, तब क्या करोगे? बंद कर दोगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्ट बंद कर दोगे। कुछ ऐसी प्रोडक्ट आप अपनी शॉप में लाओगे मार्केट में जिसकी डिमांड हो। ओके, ये ट्राई तो करोगे कि डायरेक्टली बंद ही कर दोगे? फर्स्ट हम ये तो ट्राई करेंगे, ठीक है, कैसी प्रोडक्ट। हाँ, उसके बाद में भी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आप क्लोज करने का सोच सकते हो। सेम थिंग अप्लाई इन टू दी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ नहीं होगी। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगी, प्रोडक्ट तो रहेगी वही, पर उसका मार्केटिंग आप किसके कैसे कर रहे हो। ठीक है, कि फेसबुक के ऊपर एक वो कर दो कि पोस्ट कर दो, उसको कितने टैग कर रहे, कितने लाइक कर रहे हो। ओके, उसको ऑब्जर्व करो, या फिर ऐसी एड बनाओ कि सामने पर्सन पे इम्पैक्ट पड़े उसका। ठीक है, वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट हो जाए कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करनी है, कुछ नई चीज़ कुछ दिख रही है उसके अंदर। ओके, सो दैट इज़ द लास्ट पॉइंट, दैट इज अडेप्ट, दैट इज़ द सॉल्यूशन। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, जब डिफरेंस देखा था। ठीक है, दैट इज टाइम एंड एफर्ट सेविंग। कैसे? टाइम एंड एफर्ट सेविंग, कहीं पे आने जाने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट दैट इज फ्लेक्सीबिलिटी। फ्लेक्सीबिलिटी मीन्स इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, जरूरी नहीं है वो बंदा पढ़ा लिखा ही होगा, पर सिंपल थोड़ा बहुत भी लिखना आएगा तो भी सर्च कर सकते हो। यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, कोई भी सर्च करते हो तो यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रियल टाइम एनालिसिस। ऑनलाइन रहोगे तो ऑब्वियसली रियल टाइम एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर दैट इज इम्पैक्टफुल। इम्पैक्टफुल मीन्स ऐसी बनाओ, प्रभावशाली बनाओ अपनी वेबसाइट को, तो सामने वाले कस्टमर पे उस पर अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ओके, देन आफ्टर इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल तो है, ई कॉमर्स है, दैट इज ओके, सो दैट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड लास्ट वन इज इंस्टेंट फीडबैक। तुरंत फीडबैक, तुरंत आपको रिजल्ट मिल रहा है डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। तो फर्स्ट इज वेबसाइट, उसको आप एनालिसिस करोगे पूरी वेबसाइट को। ठीक है, देन आफ्टर उसकी कंटेंट रीड कर सकते हो उसके अंदर। ओके, बैकलिंक्स, उसमें लिंक और भी लिंक्स दी होती है उसके अंदर, ओपन करके देख सकते हो आप। कीवर्ड्स, दैट इज़ द मेन पॉइंट इन टू द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड। ठीक है, आपकी वेबसाइट को ऐसा कीवर्ड प्रोवाइड करो कि जैसे ही वो सर्च इंजन में वो कीवर्ड एंटर करता है तो हमारी वेबसाइट टॉप पे दिखानी चाहिए। तो वो रूल्स आप कहाँ पे लगा सकते हो? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये किसके ऊपर वर्क करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? कीवर्ड्स पे ही वर्क करता है। ठीक है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो पूरी लाइन लिखने बैठते हो आप? पूरी लाइन लिखोगे? मुझे अकाउंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, IT के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सिंपल क्या लिखोगे? अकाउंट, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी।
आईटी के लिए चाहिए या कंप्यूटर के लिए चाहिए, तो क्या लिखोगे आप वहाँ पे? आईटी और कंप्यूटर, क्या वहाँ पे ये लिखने बैठोगे व्हाट इज कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ऐसा कुछ लिखते हो? नो, वो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देता है, ठीक है? सो दैट इज द की वर्ड्स, किसके ऊपर मैन वर्क करता है, ये की वर्ड्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है? देन आफ्टर सोशल मीडिया ऑलरेडी, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, ओके? रैंकिंग जो मैंने आपको बोला, ठीक है, जब भी आप सर्च करते हो हमारी वेबसाइट टॉप में दिखनी चाहिए, जो फर्स्ट टॉप पे दिखती है दैट इज द फर्स्ट रैंक, ओके? और वो ही ज़्यादा मार्केट में चलती है, तो वो आप किसके थ्रू कर सकते हो? थ्रू दी SEO, अंडरस्टैंड, ओके? देन आफ्टर लास्ट वन इज ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन इज द सेम थिंग, ओके? वी हैव टू गिव द रैंक टू दी अवर वेबसाइट, ओके? सो दैट इज द सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, ओके? नाउ नेक्स्ट वन, ईमेल मार्केटिंग, ओके? ऑलरेडी आई एक्सप्लेन व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। किसी बिजनेसमैन को या किसी भी ऐसे पर्सन को आप ऐसे ईमेल करो, वो ईमेल प्रॉपर होना चाहिए रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट, ओके? बिजनेस लेटर की तरह हमारा ईमेल होना चाहिए, और वो ईमेल के थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है? तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट इज ईमेल मार्केटिंग, ओके? थर्ड वन इज कंटेंट मार्केटिंग, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट का मीनिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन, कंटेंट मीन्स इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन हम किस में बना सकते हैं? डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं, PDF में बना सकते हैं, PPT में बना सकते हैं, देयर इज अ लॉट्स ऑफ वे टू क्रिएट दी कंटेंट, ओके? सो उसके थ्रू भी आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, ओके? तो PDF कोई ऐसा ब्रोशर बना दिया, उसको ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया, या आपने पोस्ट में डाल दिया तो वो कोई रीड कर सकता है, ओके? दैट इज़ द कंटेंट मार्केटिंग। जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हो, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के डालते हो, दैट इज़ अगेन एग्जाम्पल ऑफ द कंटेंट मार्केटिंग, ओके? नेक्स्ट, एफिलिएट मार्केटिंग। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। क्या होगा एफिलिएट मार्केटिंग? एग्जैक्टली, ओके? वी हैव टू गिव एड ऑन टू दी अनदर वेबसाइट, हमारी एड, या फिर और कोई पर्सन हमारी वेबसाइट पे एड दे रहा है, या हम किसी और की वेबसाइट पे एड दे रहे हैं, सो दैट इज द एफिलिएट मार्केटिंग, ओके? सिर्फ एड देना नहीं होता, ओके? आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विस है, ओके? गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर हम वी कैन डिस्प्ले दैट सर्विस, ओके? तो वो सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे, ठीक है? या अपनी सर्विस हम किसी और की वेबसाइट पे डिस्प्ले कर सकते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द एफिलिएटेड मार्केटिंग, ओके? नाउ नेक्स्ट, पे पर क्लिक, द बेस्ट पे पर क्लिक में गूगल एड्स। आजकल आपने मार्केट में देखा होगा, जैसे भी सर्च इंजिन में वी हैव राइट एनीथिंग इन टू द सर्च इंजिन, तो उसके नीचे डायरेक्टली लिंक नहीं आती कोई वेबसाइट की, एड करके आ जाता है, दो तीन एड आती है, फिर उसके बाद लिंक स्टार्ट होती है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पे पर क्लिक, ओके? इधर वो दिया है मैंने, देखो, दैट इज़ द एग्जाम्पल गूगल है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया तो यहाँ पे एड ही लिखा हुआ है, ठीक है? एडी, तो वो क्या है? हमारी गूगल एड्स है, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पे पर क्लिक, अंडरस्टैंड, ओके? उसके बाद में आपकी वेबसाइट की लिंक आएगी, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? सो दैट इज़ द पे पर क्लिक। तो जब भी आप ऐसे ऐड दोगे तो वो टॉप में ही बताएगी, इंटरेस्टेड होगा कस्टमर, तुरंत उसके ऊपर क्लिक कर सकता है, ओके? सो दैट इज़ द पे पर क्लिक। नाउ नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑलरेडी वी डिस्कस थ्रू दी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओके, ट्विटर के थ्रू हम कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। प्रमोटिंग ब्रांड अवेयरनेस, ओके? दैट इज़ द मेन पॉइंट इन टू द डिजिटल मार्केटिंग, हमारे ब्रांड को हम कैसे प्रमोट करते हैं, दैट इज़ द वे ऑफ द प्रमोटिंग अवर ब्रांड्स, सो कस्टमर उसमें इंटरेस्ट दिखाए, ओके? सो दैट इज़ अ टू, दैट इज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ओके? अपनी ब्रांड को आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन, ओके? तो ऑनलाइन के अंदर सेम थिंग आएगी जो चैनल्स हमने देखी थी, सोशल मीडिया, वेबसाइट एक्सेट्रा, ओके? दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ऑनलाइन, ओके? ऑन टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग, ओके? दैट इज वी लॉन्च अवर प्रोडक्ट, दैट इज गोदन प्रोडक्ट, तो उसका भी हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं थ्रू द वेबसाइट, थ्रू द सोशल मीडिया, ओके? सो वी
हमारा पॉइंट टॉपिक था आज का डिजिटल मार्केटिंग, तो आई वॉन्ट टू इंटरेस्ट टू शो यू दैट इज फर्स्ट दैट इज अवर वेबसाइट गांव की हाट. ओके दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग. ओके इन टू यू कैन सर्च मैनी प्रोडक्ट्स हियर गोदन प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल. ओके ना इधर से तो मेन थिंग क्या है कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट क्या है वो किसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा. ओके दैट इज द मेन थिंग. ओके